लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने दूसरे चरण के चुनाव को लेकर कमर कस ली है। गुरुवार को अमरोहा लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर चौधरी मुजाहिद हुसैन ने क्षेत्र की जनता से ताबड़तोड़ जनसंपर्क किया और वोटरों से रूबरू होकर बसपा की सरकार बनाने के लिए वोट की अपील की। लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर चौधरी मुजाहिद हुसैन ने नौगांवा विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी फुरकान अहमद के साथ मिलकर नौगांवा विधानसभा के दो दर्जन से अधिक गांव का तूफानी दौरा कर वोटों की अपील की। लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर चौधरी मुजाहिद हुसैन ने बसपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विधानसभा के गांव अतरासी, रजौपुर, शकरपुर, सिहारी, लिसडी, कटाई, टाडा, पूठी, आगापुर, वामनखेड़ी, जुहैर, नूरपुर, झकड़ी, तुकलावार, अब्दुल्ला कॉलोनी, कालीखेड़ा आदि कई गांव में सम्मानित जनता से जनसंपर्क किया और आने वाली 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में क्षेत्र की जनता का साथ मांगा। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि आप अधिक से अधिक वोट कर लोकतंत्र के पर्व का हिस्सा बने और बसपा प्रत्याशी को चुनकर पार्लियामेंट तक भेजें। बसपा प्रत्याशी की नुक्कड़ सभा में बसपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कावींद्र चौधरी, अंकित चौहान, नसीम पठान, अजब सिंह, जन्म सिंह, कपिल जाटव, इकरार अहमद, अनीश अहमद, रूप सिंह, इजहार अहमद, समीर, जीशान आदि बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया ब्यूरो, अमरोहा, उत्तर प्रदेश। एक गांव में दंगल रख दिया गया। क्या रख दिया गया सचिव साहब? दंगल रख दिया गया। और दंगल में दो पहलवानों में कुश्ती रख दी गई और कुश्ती में शर्त रख दी गई कि जो पहलवान कुश्ती जीतेगा उन्हें बकरे की बलि चढ़ाएगा। और बकरा लाकर के बाजार से दंगल के पास बांध दिया गया और पहला पहलवान आया दंगल में। कुश्ती जीत गया तो मैं इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। दूसरा पहलवान आया, कह काली माँ अगर मैं कुश्ती जीत गया तो मैं इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। बकरे ने सोचा, बकरा दोनों ही पहलवानों की बात बखूबी सुन रहा था। बकरे ने सोचा चाहे पहला पहलवान जीते या दूसरा पहलवान जीते, बलि तो तेरे ही चढ़नी है। क्या यहाँ से समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो जो हमें यहाँ पर गुंडा माफिया बनाने का काम किया? कोई भी अधिकारी अत्याचार न करे तो उठा लीजिए नीले झंडे को और दबा दीजिए 26 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन कि ये माई के नाम मेहनत नहीं होगी तो तुम्हारा इतना मांग भर करके देखने में सम्मानित साथी सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। मैं कम शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा और एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। प्रधान जी का शेर मुझे याद आ रहा है, या खुदा ऐसे कलम को स्याही न दे जो जुदाई लिखे रिहाई न दे और ऐसी सरकार को बदल दो दोस्तों जिसे हिंदू मुसलमान का भाईचारा दिखाई न दे।